मैं सूर्या, आपका दोस्त। जब मैं यहाँ आया तब मुझे पता चला कि चींटी और इंसान में एक चीज समान है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? दोनों बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे चींटियाँ। अरे हटाओ इसे, किसी और को लाओ, यहाँ से भागो। लोग सूर्या को बॉटल्स और अंडा फेंक कर मारने लगते हैं। शो खत्म होते ही जब मैनेजर सारे कॉमेडियंस को पैसे दे रहा होता है तो सूर्या को थोड़े कम पैसे देता है। आप मुझे सिर्फ 200 रुपए क्यों दे रही हैं? बात तो 500 रुपए की हुई थी ना। भाई तुझे इतना दे रहे हैं ना, उसी में खुश हो जा। तेरा स्टैंड अप सुनकर लोग आने के बजाय जाने लगेंगे। एंड यू नो इट्स बैड फॉर माई बिजनेस। मैं और मेहनत करूंगा, मैं अपने स्टैंड अप में और पंच लाइंस डालूंगा। ठीक है, पहले अच्छे वाले जोक्स मार ले, उसके बाद पूरे पैसे देना शुरू कर दूंगी। जा अभी यहाँ से, बहुत काम है मुझे, निकल निकल। वो रेस्टोरेंट से खाना लेकर अपने घर जाता है। सूर्या अपनी माँ के साथ रहता है, उसकी माँ आँखों से देख नहीं पाती थी। सूर्या दरवाजा खटखटाता है। कौन है? मैं हूँ माँ, दरवाजा खोलो। आई बेटा। सूर्या की माँ उसके लिए दरवाजा खोलती है। माँ तुम्हारे लिए बाहर से खाना लेकर आया हूँ। आ गया तू, आज का दिन कैसा गया? बहुत अच्छा गया माँ, लोगों को मेरा स्टैंड अप बहुत अच्छा लगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, सब देख लूंगा। अच्छी बात है बेटा, एक तू ही तो मेरा। माँ आपकी तबीयत खराब है, आपने अपनी दवाई ली या नहीं? दवाई खत्म हो गई थी बेटा। सूर्या अपनी माँ के लिए दवाई खरीदने निकल जाता है और दवाई खरीद कर जब वो घर आ रहा था तो उसे उसके कुछ स्टैंड अप कॉमेडियन दोस्त रास्ते में मिल जाते हैं। अरे देखो कॉमेडियन आया, कॉमेडियन सूर्या कुंड। जोक मारना, ए मारना, एक जोक मारना। कोई नहीं हंसेगा तो हम हंसेंगे। भाई तू जोक तो मार। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है, मेरी माँ बीमार है। अच्छा जोक है, और मारना और मार। अरे ऐसा ही मार जैसा अभी मारा था, अभी बाप के ऊपर मार। सूर्या वहाँ से जाने की कोशिश करता है मगर वो लोग उसका रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, तेरा बाप नहीं है क्या ध्यान रखने के लिए? सब भागने लगते हैं। जब वो उनका पीछा करने लगता है तो वो रोड पर आ जाता है और उसे एक ट्रक ठोक देती है। अबे ट्रक से टकरा गया। एह, चलो यहाँ से, नहीं तो कोई देख लेगा। वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और रोड पर सूर्या का अधमरा शरीर पड़ा हुआ था। सूर्या का अधमरा शरीर वही रोड पर पड़ा हुआ था जो अपनी हर एक सांस के लिए लड़ाई लड़ रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी हाथ में छड़ी के सहारे आता है, उसकी एक आंख पर पैच लगा हुआ होता है। देखो कैसे कुत्तों की तरह मर रहे हो तुम, जैसे कोई कुत्ता जो सड़क पर दुर्घटना का शिकार हो गया हो। तुमने अच्छे जिंदगी जीने की कोशिश की, मेहनत से एक एक पाई कमाया और उसके बदले तुम्हें क्या मिला? एक कुत्ते की मौत। इस दुनिया में तुम सीधे बनकर नहीं जी सकते, इस दुनिया में जीने के लिए तुम्हें एक राक्षस बनना होगा जो अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी निकल ले। मैं तुम्हें ऐसा राक्षस बनाऊंगा, लेकिन याद रखना चांद तुम्हारा साथी और सूरज तुम्हारा दुश्मन होगा। अपने पैरों पर एक बार फिर खड़े हो जाओ। जो दर्द इस दुनिया ने तुम्हें दिया है वो दर्द इस दुनिया को वापस लौटा दो। ये दुनिया तुम्हारे प्यार की नहीं बल्कि तुम्हारे नफरत की हकदार है। तभी वो आदमी अपने हथेली को उसके माथे पर रख देता है और सूर्या अपनी आंखें खोलता है तो सूर्या का चेहरा ऐसा बन जाता है जैसे मानो उसका आधा चेहरा जला हुआ हो और आधा शैतानी। मैं अब जागा हूँ अंधेरों से, रोशनी के छलावे से जला हूँ मैं,
झुलसा हूँ इस दुनिया के हर एक धोखे से। अब नहीं है कोई मासूमियत की चाल, हर छल हर कपट का जवाब है बेमिसाल। तैयार हो जाओ सूर्या के आतंक के लिए। अगली रात जब प्रिया अपने जॉब से घर पहुंचती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। कौन है, कौन है वहाँ पर? कैसी हो प्रिया, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? तुम सूर्या, सूर्या तुम जिंदा हो? मगर कैसे, तुम्हें तो ट्रक ने ठोक दिया था ना? सूर्या रात की परछाई से बाहर आता है और उसका चेहरा देखकर प्रिया की जान सी निकल जाती है। प्रिया घर के अंदर जाती है और घर का दरवाजा बंद कर लेती है। तब वो अपने माँ बाप को पंखे से लटका हुआ देखती है। माँ, पिताजी, नहीं, सूर्या तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया मतलब? मुझे किसी को मारने के लिए वजह चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में जीने का सिर्फ एक ही नियम है कि कोई नियम मत मानो। सूर्या, नहीं सूर्या। सूर्या उसे मार देता है और अपने अगले शिकार राजन और कमलेश के पास जाता है, जो क्लब से अपनी कार में बैठकर घर जा रहे थे। आज तो मजा ही आ गया क्लब में। सुमिका के साथ मेकआउट करने में किसको मजा नहीं आएगा? जब वो बात कर ही रहे थे उसी वक्त कमलेश को मिरर में कोई पीछे के बैक सीट पर बैठा हुआ दिखाई दिया। मैंने मिरर में देखा कि कोई बैक सीट पर डरावना सा बैठा हुआ है। चढ़ गई है भाई तुझे, और कुछ नहीं। फिर अचानक से उनके कार के सामने सूर्या खड़ा दिखता है, जिसे देखकर राजन गाड़ी को पेड़ पर जाकर ठोक देता है। क्या हुआ, एक कुत्ते को देखकर डर गए तुम दोनों? क्या हुआ, अब परेशान नहीं करोगे? सूर्या, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा हम कभी किसी के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे आज अपना स्टैंड अप शो करना है, वहां पर मुझे तुम लोगों को प्रस्तुत करना है, तो तुम लोगों को मेरे साथ आना होगा। हम लोग आएंगे। हाँ, हम दोनों आएंगे तुम्हारे शो में, तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे, सच्ची, बस हमें छोड़ दो। ठीक है। सूर्या स्टैंड अप में पहुंचता है और स्टेज पर जाकर शो करने लगता है और लोग उसे देखकर थम से जाते हैं। हाय, आपका नया दोस्त सूर्या कुंड आया है। जब मैं यहाँ आया तब मुझे मालूम पड़ा कि मुझमें और सड़क के कुत्ते में एक चीज समान है, पता है क्या? हमारी जिंदगी। दोनों ही बेकार है। यहाँ पे आते वक्त मेरे दोस्तों ने कहा कि मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो अपने शो में। वो लोग इस बॉक्स में हैं। दरअसल मैं कॉमेडियन के साथ साथ एक जादूगर भी हूँ। सूर्या तीनों का सिर उस बक्से से निकालता है, जिसे देखकर सभी लोग शो से भागने की कोशिश करते हैं, मगर अपने आप ऑडिटोरियम के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो कहा था मैं, हाँ, मेरा अगला जोक है, जब मैं खाना खा रहा था तब एक बार गलती से गैस ऑन छोड़ दी थी मैंने, तो उसमें आग लग गई। तो मुझे लगता है जब मैं यहाँ आया तब मैंने कहीं सिलेंडर देखा था, उसका भी प्लग मैंने निकाल दिया। फट जाएगा तो फट जाएगा, ये ऑडिटोरियम किसी कद्दू की तरह है। जब सूर्या स्टेज पर खड़ा होता है और लोगों को एक साथ मारने वाला होता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। सूर्या, सूर्या तू कहाँ है बेटा? आजा बेटा मेरे पास। आप में से किसी ने मेरे बेटे को देखा है क्या? माँ। ऑडिटोरियम के दरवाजे खुल जाते हैं और सभी लोग भाग जाते हैं। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तुझे ढूंढने आई थी बेटा, तो दवाई लेने गया था और वापस ही नहीं आया।
कहाँ था बेटा? माँ, माँ। रो मत बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तू घर आ जा बस, मेरी दुनिया तू ही है बेटा। अब घर चाहिए माँ, अब घर चाहिए माँ, मैं दवाई लेकर आता हूँ। तू आएगा ना बेटा? हाँ माँ, आप आराम से घर जाइए, मुझे जरूरी काम है, मैं वो निपटा कर आता हूँ। ठीक है, मैं तेरा इंतजार करूंगी, दवाई लेते आना। ये कहकर सूर्या समुद्र के पास जाता है और सुबह होने का इंतजार करता है कि सुबह होते ही सूरज उसे जला दे। तभी वहाँ पर वही आदमी आता है जिसने सूर्या को ये ताकत दी थी। तुम इस बार मरे तो वापस नहीं आ पाओगे, मुझे पता है, मगर मुझे ऐसे नहीं जीना। जिसके लिए मैं जी रहा था उसके सामने मैं इस भेस में नहीं जा सकता। बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है सूर्यकुंड, तुम भूल गए कि इस दुनिया ने तुम्हारे साथ क्या किया था? जानता हूँ, मगर मैं इस दुनिया को सजा नहीं देने वाला। मैं रात का चांद हूँ जो ढल जाएगा, और ये दुनिया सुबह की सूरज की तरह फिर से उगेगी। आज नहीं तो कल ऐसा वक्त आएगा जब सब एक दूसरे की तकलीफें समझेंगे और एक दूसरे का दुख दर्द बांटेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा सूर्यकुंड, मेरा समय बर्बाद करने के लिए शुक्रिया। सुबह का सूरज उग रहा है और सूर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में आंसू हैं। सूरज उगते ही वो जलने लगता है और उसका आखिरी शब्द होता है, माँ। रात का समय था, समुद्र की लहरों पर टाइटैनिक शिप अपनी तेज गति से दौड़ रहा था। उसके अंदर लगभग 400 लोग सफर कर रहे थे। उन्हीं में से कुछ थे नितेश, मोहन, विराज और स्नेहा। यार मुझे तो बहुत खुशी हो रही है ये जानकर कि कुछ ही दिनों में हम लोग दुबई में होंगे। मैं तो बुर्ज खलीफा के साथ अपनी ढेर सारी पिक्स लेकर इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगी। तभी जहाज के कप्तान ने ऐलान किया, सभी लोग ध्यान से सुने, जहाज में कुछ खराबी आ गई है जिसे ठीक करने के लिए हमें थोड़ा समय लगेगा। थोड़ी ही दूरी पर लाइट हाउस आने वाला है, हम कुछ देर वहाँ रुकने वाले हैं। वाह, लाइट हाउस! मैंने अपनी लाइफ में कभी लाइट हाउस नहीं देखी, मजा आ जाएगा। कुछ ही देर बाद जहाज एक लाइट हाउस के पास जाकर रुकी। दिखने में तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ऊपर से सनन सनन चलती तेज हवाएं माहौल को और सुहाना बना रही थी। अगर आप कुछ देर यहाँ उतरना चाहें तो उतर सकते हैं, जहाज ठीक होते ही हम ऐलान कर देंगे, सभी लोग वापस आ जाइएगा। ये सुनकर काफी यात्री जहाज से उतर गए। वाव यार, ये कितना खूबसूरत लाइट हाउस है, ये कहकर स्नेहा ने उसकी कुछ पिक्स क्लिक की। देखो गाइस, कितनी अच्छी पिक्स आई है। वो सभी को फोटोज दिखाने लगी। तभी एक फोटो पर उनको नजर आया कि लाइट हाउस की रेलिंग पर एक लड़की खड़ी हुई है। अरे ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? मतलब इसके ऊपर जाने का रास्ता भी खुला हुआ है। वो चारों एक साथ अब लाइट हाउस की तरफ रवाना हो गए। वाह, ये तो अंदर से भी एकदम चमचमा रहा है। अरे कोई है? हेलो, चलो चलो जल्दी से लैंटर्न रूम में चलते हैं, ऊपर से समुद्र का नजारा बहुत ही खूबसूरत लगेगा। गोल गोल सीढ़ियां ऊपर लैंटर्न की तरफ जा रही थी। कुछ ही मिनटों में वो चारों लैंटर्न रूम में पहुंच गए। चारों रेलिंग से समुद्र का नजारा देखने लगे। वो देखो, हमारा जहाज कितना छोटा लग रहा है यहाँ से। कितनी ठंडी और तेज हवाएं चल रही है यहाँ। वो चारों मस्ती में ऐसे मग्न हुए कि उनको टाइम का पता ही नहीं चला और नीचे जहाज चलने को तैयार हो चुकी थी। सभी यात्री जहाज पर वापस आ जाएं, हम बस निकलने ही वाले हैं। अरे बाप रे, ये जहाज तो बहुत जल्दी ठीक हो गया, चलो सब जल्दी से नीचे चलो। जब वो नीचे पहुँचे तो उनको बाहर जाने का दरवाजा बंद दिखाई दिया। वो उसको खोलने की बहुत कोशिश करने लगे लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक्ड था। अरे ये दरवाजा बाहर से किसने बंद कर दिया? हम चारों के अलावा तो कोई अंदर आया ही नहीं था।
अब तुम लोग यहाँ से वापस नहीं जाओगे। ये भयानक आवाज किसकी है? तभी उनको जहाज की तेज आवाज सुनाई दी, मतलब जहाज चालू हो चुकी थी। खोलो यार, जहाज चल पड़ी है। कुछ ही देर में वहाँ बिल्कुल शांति हो गई और दरवाजा धड़ाम से खुल गया। दूर दूर तक जहाज कहीं नजर नहीं आ रहा था। अरे यार, अब तो हम यहाँ फंस कर रह गए, कैसे निकलेंगे हम यहाँ से? देखो यार, फंस तो हम चुके हैं, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो और परेशानी बढ़ेगी। भलाई इसी में है कि हमें यहाँ रुक कर किसी दूसरे जहाज के आने का इंतजार करें। हम सभी एक साथ रहेंगे, वो आवाज किसकी थी ये पता नहीं चला अभी। तभी मोहन की नजर लाइट हाउस के टॉप पर पड़ी। एक लड़की रेलिंग पर अपने दोनों पैरों को लटकाए बैठी उन्हीं को देख रही थी। वो देखो, सभी ने एक साथ ऊपर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अबे क्या हुआ, क्यों चीख रहा है वहाँ कुछ? वो चारों लोग अंदर चले गए। आज रात हम आराम से सो जाते हैं, सुबह उठकर डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। ये तय कर वो चारों थोड़ी थोड़ी दूरी पर सो गए। रात के अभी कुछ ही पहर हुए थे कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे ये दरवाजे पर कौन है? उसने नजर दौड़ाई तो पता चला कि स्नेहा वहाँ नहीं थी। शायद स्नेहा ही होगी। उसने उठकर दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। मैं यहाँ हूँ। ये आवाज सुनकर मोहन लाइट हाउस से निकल गया। कुछ ही दूरी पर उसको स्नेहा किनारे पर बैठी हुई नजर आई। वो उसकी तरफ बढ़ गया। इस तरफ असली स्नेहा बाथरूम के अंदर से निकली और वापस अपनी जगह पर जाकर सो गई। अरे स्नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें ठंड नहीं लग रही यहाँ पर? मोहन थोड़ा डर गया और उसने उसके सामने जाकर देखा। स्नेहा के हाथ में एक मछली थी जिसको वो कच्चा ही चबा रही थी। वाह, कितनी टेस्टी मछली है मोहन, तुम भी खाओ ना। उसने तेजी से उठकर मोहन के मुंह में मछली ठूस दी। मोहन के हलक में मछली का पूरा कांटा अटक गया। वो जमीन पर पड़ा अपनी गर्दन को पकड़े हुए तड़प रहा था। तभी स्नेहा ने अपना पैर अचानक दरवाजे की तेज आवाज से तीनों की आंखें खुल गई। ये बाहर इस टाइम कौन हो सकता है? अरे मोहन ही होगा ना, वही तो नहीं है इस टाइम यहाँ। विराज उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, कुछ ही दूरी पर उसको एक पेड़ के नीचे कोई खड़ा हुआ नजर आया। ये साला मोहन ही है। अचानक से पीछे के दरवाजे पर भी दस्तक हुई, जिसको सुनकर तीनों चौंक पड़े। तभी वो दरवाजा अचानक से खुल गया और उनको नजर आया कि एक बेहद ही भयानक आदमी वो उनके सामने आकर खड़ा था। वो आदमी तेजी से घर के अंदर आया और उसने नितेश का गला पकड़ लिया और फिर एक ही झटके में उसकी टांग और एक हाथ शरीर से अलग कर दिए। ये देखकर विराज और स्नेहा की चीख निकल गई। वो दूसरे दरवाजे से बाहर निकले तो जिस आदमी को अभी तक वो मोहन समझ रहे थे, वो विराज पर झपट पड़ा। उसने विराज की गर्दन पकड़कर इतनी जोर से दबाई कि वो धड़ से अलग हो गई। नहीं! स्नेहा चिल्लाई और वापस लाइट हाउस के अंदर ही घुस गई। वहाँ नितेश की लाश पड़ी थी और उसके पास ही एक चुड़ैल भी खड़ी थी। अब तेरी बारी है, ऐसा कहकर वो चारों हाथ पैर से स्नेहा की तरफ बढ़ने लगी। स्नेहा लाइट हाउस की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। वो भी अपने चारों हाथ पैर से स्नेहा का पीछा कर रही थी। आज तू नहीं बचेगी। स्नेहा बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुकी थी। ऊपर से नीचे देखने पर उसको डर लग रहा था। अब मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। तभी उसकी नजर समुद्र के किनारे पर पड़ी। एक बोट तेजी से लाइट हाउस की तरफ आ रही थी।
उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। वो किनारे पर आया और चीखने लगा, क्या यहाँ कोई रुका है? अगर है तो बाहर आ जाए, कप्तान ने आपको लेने के लिए मुझे भेजा है। ये आवाज सुनते ही वो चुड़ैल और खुश हो गई। एक और शिकार आ गया, तुझे तो बाद में देखूंगी, पहले इसको खत्म कर देती हूँ। वो वापस सीढ़ियों से नीचे उतर गई और उस बोट वाले आदमी के पास पहुँच गई। उसने उस आदमी का गला पकड़ लिया। स्नेहा ने इस बात का फायदा उठाया और तेजी से गिरती पड़ती उस बोट तक पहुँच गई। उस चुड़ैल ने उस आदमी के सीने को चीर डाला। तभी उसकी नजर बोट में बैठी स्नेहा पर पड़ी। वो तेजी से स्नेहा की तरफ भागी। वो चुड़ैल अब उसके बिल्कुल करीब आ गई थी। उसने स्नेहा की बोट पर छलांग लगाई, तभी बोट स्टार्ट हो गई और स्नेहा तेजी से वहां से निकल गई। वो चुड़ैल किनारे पर ही रह गई। स्नेहा ने पूरी स्पीड से बोट को आगे बढ़ाया और उसने पीछे पलट कर देखा तो वो चुड़ैल अब उस आदमी के मांस को मजे से खा रही थी।